जापान में लोग जवान दिखने के लिए आजकल स्नेल्स थेरेपी कर रहे हैं, जिसमें वो क्या कर रहे हैं कि स्नेल्स को पकड़ के फेस पे छोड़ दे रहे हैं और स्नेल्स पूरे फेस पे घूम घूम कर फेस के डेड स्किन्स को खाकर फेस को हेल्दी बनाते हैं। उनके अकॉर्डिंग स्नेल्स के म्यूकस में कोलेजन पाया जाता है, जो हमारे स्किन के लिए काफी बेनिफिशियल होता है, और इनके म्यूकस में एंटी हीलिंग प्रॉपर्टी भी पाई जाती है, जिससे अगर आपकी स्किन पे कोई कट है तो स्नेल्स उसे भी ठीक कर देते हैं। वैसे जापानी और नेटिव एफ नाम का एक ऐसा डोर सिस्टम बनाया है जो आपके बॉडी की हीट को डिटेक्ट करके खुलता है, मतलब जितना आपका बॉडी होगा बस उतना ही खुलेगा। वैसे जापान के ट्रेन में जो सीट्स होती है उसे आप चाहो तो अपने कंफर्ट के अनुसार इधर उधर घुमा सकते हो, और एक्चुअल में ये एक बहुत काम की चीज है। जैसे मान लो इस मैडम के जैसा कोई मिल गया तो सीट को ही घुमा दो। अब जहाँ पूरी दुनिया में कीबोर्ड कुछ ऐसा देखने मिलते हैं, वहीं पे जापान में कीबोर्ड कुछ ऐसे भी होते हैं, ऐसे राउंड शेप के। वैसे देखने पर तो उतना कन्वीनियंट नहीं लग रहा, पर क्या पता उनके लिए हो। वैसे जापान में साइकिल की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए वहाँ पे साइकिल को पार्क करने के लिए ऐसे अंडरग्राउंड पार्किंग बनाए गए हैं, जिसमें आप अपने कार्ड को स्कैन करो और फिर आपकी साइकिल आसानी से पार्क हो जाएगी। वैसे जापान में आजकल एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम भी चल रही है, क्या कि जापान में आजकल 1 करोड़ से भी ज्यादा घर खाली पड़ गए हैं। पर आखिर क्यों हुआ क्या है, ये जानने के लिए पिन कमेंट के लिंक पे क्लिक करो।